पासिंग मार्क पर हुई तो रिजल्ट 40-45, 60-67 नंबर पर क्यों? ये अन्याय है, नहीं सहा जाएगा। चाहे योगी सरकार तानाशाही कर रही है, सीबीआई जांच हुई है, सीबीआई जांच हुई है, उसके बाद भी डबल बेंच जा रहे हैं। आज यहाँ पे बीटीसी के प्रत्यक्ष जो है अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आए थे, विधानसभा के बाद में आकर रहे, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर था कि स्थल धरना प्रदर्शन क्षेत्र है, स्थल है, लोगों से वार्ता करने के प्रयास किया गया। जब लोग इसके बावजूद जिप पर अड़े रहे और एक ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि उपद्रव जो का माहौल बने और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, तो इनको हल्का बल प्रयोग करके लोगों को हटा दिया गया है। घायल होने के साथ कोई गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। प्रयास किया गया था हल्का बल प्रयोग किया जाए और जो भी लोग हैं हम लोग एम्बुलेंस से और चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर, तो कोई ऐसी गंभीर चोट किसी को नहीं आई है कि जिसमें किसी को जानमाल कोई क्षत हो, कोई गंभीर चोट किसी को। गेट के बाहर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक 68,500 अभ्यर्थियों ने अपनी बहाली को लेकर के विधानसभा का घेराव किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे अभ्यर्थियों ने यहाँ पे रोड जाम, जिसकी वजह से रोड जाम हो गई, पूरा यातायात बाधित हो गया है। और इन अभ्यर्थियों पे पुलिस ने बुरी तरीके से लाठियां भी बांधी है। इन अभ्यर्थियों को 30 से 33 उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए और साथ ही योगी और भाजपा सरकार के भी नारे लगाए। लखनऊ से नवीन वाजपेयी, ETV भारत।